हाय फ्रेंड्स, सो आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिली पनीर। तो उसके लिए सामग्री है शिमला मिर्च 2, पनीर 200 ग्राम, प्याज 3, मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं, आप अगर 2 डालना चाहें वो भी सफिशिएंट है, और हरी मिर्च 2। इसमें मैं मसाला यूज़ कर रहा हूँ वो है तेज़पत्ता, ऑलिव ऑयल, नमक, सोया सॉस, गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, हींग, ज़ीरा, अदरक लहसुन पेस्ट, और ये देगी मिर्च, और ये टमाटो सॉस। तो ये सारे मसाले मैं यूज़ करूँगा इसे बनाने के लिए। सो अब गैस पे से स्टार्ट करते हैं बनाना। मेरा पैन गर्म हो चुका है, सो मैं ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ। ये अप्रोक्स 2 बड़े चम्मच है, इसे थोड़ा हल्का सा गर्म होने देते हैं। ये हल्का सा गर्म हो गया है, अब मैं ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, और मैं लौंग सिर्फ 2 ही यूज़ करूँगा, और थोड़ी सी दालचीनी का एक स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ मैं, और ये हींग डाल रहा हूँ। अब मैं इसमें अपने प्याज ऐड करता हूँ। इन प्याज को मुझे ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा 1.5 से 2 मिनट पकाना है बस, मुझे इन्हें ब्राउन नहीं करना वरना ये अपना कलर सब्जी में नहीं देंगे। सो अप्रॉक्स 1.5 मिनट हो गया है, हल्का हल्का कलर दे रहा है, सो मैं इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देता हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स होने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। अब इसे 2.5 से 3 मिनट कुक होने दीजिए, सो हमारी शिमला मिर्च गल जाए। सो उसके बाद देखते हैं, आपको इसे ढक के रखना है तो 1-1.5 मिनट बाद ओपन करके देख लीजिए, अगर ओपन में रखना है तो 2 से 2.5 मिनट। सो मैं इसे अब ओपन ही रख रहा हूँ। तो ये लगभग 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें ग्रीन चिली और पनीर ऐड कर रहा हूँ।
एक बार हल्का सा मिक्स कर लीजिए। देन इसमें देगी मिर्च, सोया सॉस, ये छोटा चम्मच है सोया सॉस का, ये 1.5 चम्मच है टमाटो सॉस का बड़ा, और गरम मसाला बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग, सो मैं 1/2 चम्मच ही यूज़ कर रहा हूँ इसे। और इससे नमक ऐड कर लीजिए, सॉल्ट टू टेस्ट, अब अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए इसे। अब इसे तेज आंच पे 1 से 1.5 मिनट कुक कीजिए। सो उसके बाद ऑलमोस्ट ये रेडी हो जाएगा। बस इसे परोसिए और एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।